You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. Congress leader Mohammed Ali Shabbir exclusive with reporter Shaik Ahmed. He targets TRS party by saying, except hanging bridge, they have not done anything for Hyderabad. All the other projects like metro was done by Congress. Watch full interview. A18 Telangana News Bureau. I am Mohd Shabbir Ali Sahib. Aaiye aaj yahan par jo voting ka jo silsila jari hai, jo voting ke कॉन्टेंशंस रखे गए हैं इसके बारे में मजीद तफसीलात शबीर अली साहब से मालूम करते हैं जी शुक्रिया कल केसीआर साहब ने उनका इंतखाबी मंशूर रिलीज किया वो झूठ का एक हिस्सा था उन्होंने अब तक चार मैनिफेस्टो यानी मंशूर को इजराई अमल मिलाए चारों के चारे बोगस ये पांचवा था उनका लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज वादा किया है कि हम पे विश्वास करो भरोसा करो कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर में 1,00,000 करोड़ से शहर हैदराबाद को डेवलप किए जिसमें सारे के सारे काम में आपको दिक्कत आते हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो रेल ओआरआर पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे चंद्रायन गुट्टा ब्रिज उपगुड़ा ब्रिज सीताफल मंडी ब्रिज ऐसे कई कारणों में कृष्णा वाटर गोदावरी वाटर से 1,00,000 करोड़ जबकि केटीआर चैलेंज करें कि 67,000 करोड़ मैंने भी खर्च किया मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि कहाँ करें बताओ मैं बता दूँ चलो सड़क पे बताओ मेरे पूरे मतलब देखेंगे लेकिन आपका एक कारनामा भी नहीं एक कुछ झूला झूलने वाला एक ब्रिज बोल रहे हैंगिंग ब्रिज के सिवाय एक काम भी नहीं है आज ये बताओ शहर के अंदर 100 के करीब लगभग लोग बारिश में पानी में बह गए कई लोगों के लाशें कई दिन के बाद मिले हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि शहर हैदराबाद का दौरा करे और मालूम करे कि भाई कि कैसे फ्लड आए कहां कहां लोग कब्जा करे कैसे तालाबें टूटे और अफसोस है कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया का वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो इतने 100 लोग मरने के बाद भी विजिट तक नहीं किया तो हैदराबाद के लोग कैसे विश्वास करेंगे कैसे वोट डालते उनको तो ग्रेवान में हाथ डाल के पूछना कि भाई हम जब मुसीबत में थे सीएम हैदराबाद में रह के नहीं आ सकता हमारे पास हैदराबाद में रह के हमारे पानी की निकासी नहीं आज भी कई मोहल्लों में पानी उसे रखा हुआ है इसी तरीके से एमआईएम है 52 साल से वोट पूछ रहे कोई तरक्की नहीं उनकी तरक्की हो गई वो लोग किराए के मकानों से महलों में आ गए कोठियों में नहीं महलों में आ गए लेकिन ये वोट देने वाला 52 साल से वो अपनी जगह पे वहीं ठहरा हुआ है तो यही हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस आएंगी दोबारा फिर से 1,00,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट करेंगे फ्री हमें पानी देंगे फ्री बिजली देंगे और साथ ही साथ जो बूढ़े लोग होंगे उनको 3 जगह पे आरटीसी बस में रेल में मेट्रो रेल में पास दे देंगे उन लोगों को ताकि उसका जहाँ ट्रैवल करेंगे वो पैसे म्यूनसिपल देंगे ये लोग फ्री ट्रैवल करेंगे फ्री वाटर बिल देंगे और फ्री उनको जो सलम बस्तियां हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये तमाम चीज़ों के साथ आ रही है हमको दुआ दीजिए आशीर्वाद दीजिए ये आपकी पार्टी है पुरानी पार्टी है ये हैदराबाद को डेवलप करें कभी निज़ाम सरकार के बाद सिर्फ कांग्रेस ही है जो इसको डेवलप करके बताई है अब रहा पुराने शहर में मैं ग्रेटर हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर के नाते मेट्रो रेल को इमलीबन से फलकनुमा से एयरपोर्ट तक लगाया लेकिन मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिम बैरिस्टर असद साहब वगैरह ने मिलकर केसीआर के साथ साजिश करके ये रेल को निकाल दिए अब खाली जबानी बोलते देते कल भी टीआरएस के मैनिफेस्टो में केसीआर साहब ने कहा कि ये रेल यहाँ से नहीं आएंगी वहाँ बीएचएल से रेल आएंगी तो फिर इसका जवाब मजलिस देना पड़ेगा और आवाम पूछना पड़ेगा तो फ्लड में कहाँ थे ये लोग कहाँ है केसीआर इतना बड़ा तूफान आया इतने लोग तबाही आई कहाँ इतना बड़ा कोविड आया कई लोग मर गए कोई आज तक दवाखाना विजिट नहीं किया चीफ मिनिस्टर तो मैं आपके चैनल से आउटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन लोगों से पूछो चाहे पुराना शहर नया शहर ये कांग्रेस के दौर में और अशोक रेड्डी सीएम मैं एज ए हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर ये एजाज हमें जाता है हमने करके बताया है वोट मांगने का भी हमें हक है उनको कोई हक नहीं है वोट अपना सोच समझ के जज्बात पे नहीं बल्कि जो सेकुलर जमात है उसको दीजिए अभी ये
लोग अफरा तफरी का माहौल है साथ में, खाजा बिलाल जो है पार्टी चेंज कर दिए होते हैं, उसके ऊपर आप कुछ? हर चीज का, बारिश के टाइम पे बारिश आते मेंढका निकल के आते, तो कुछ मेंढकों इधर से उधर, उधर से इधर जंप मारते रहते, अच्छे मेंढकों के बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं है।